तारीख 12/2/2021 धोरण 2 स्वाध्याय पोथीमां पान नंबर 62 ऊपर आपणे જોઈશું। चित्र जोई मित्रों साथे रमत रमो। तो जो शुं रमत छे मित्र, चार छे, आ बाजु चार छोकरा दौड़े छे। आपणे नीचेना प्रश्नो જોઈશું એટલે આખી રમતની खबर पड़शे। आ रमतनुं नाम शुं आपीशुं? आ रमतनुं नाम लांबी कूद आपीशुं। प्रथम चित्र में केटला विद्यार्थी देखाय छे? तो प्रथम चित्र पर चार ज विद्यार्थी उभेला देखाय छे। कोण सौथी वधु कूद्यो? मीत सौथी वधु कूद्यो छे। सौथी ओछू कोण कूद्यो? सौथी ओछू शिव कूद्यो। शिवनी बाजू में कोण उभेलू छे? शिवनी बाजू में यश उभेलो छे। ए चारे चार बाळकनुं नाम आपणे आपेलुं छे। ए प्रमाणे आपणे नाम परथी आपणे कही शकीए छीए कि आ छोकरो आटलुं दौड़ी शक्यो छे। नीचे आपणे जोईशुं कि मम्मी तमने तोफान करे तो तमे केवा तोफान करो छो ते तमारे लखवाना छे। आगळ आपणे जोईशुं गीतमां आवता खूटता अक्षरो लखो। वडलानी डाळे वांदळा टोळी करती हुपा होप, छानो मानो जोया करू थईने चुपा चुप। एक मोटो बुढ़ियो ए वानरनो सरदार, एनी पाछळ नाना मोटा वांदळा छे 10-12। तो अपना आ आगर कविता आवी गई छे, तो कवि तमे तमे जोईन पण लखी सको छो। बढ़िया भीम वार्ताना आधारे साचा उत्तरने जवाबमां खरू करो। पांच पांडव क्या रमता हता? बगीचामां। कौरवना मनमां कोना प्रत्ये खूब वैरभाव हतो? भीम। पांडव कोनी वात मानता हता? युधिष्ठिर। कोने दाव आपवानुं कौरवे विचार्युं? भीम। भीमे हाथमां पकड़ीने शुं हलाव्युं? जळनुं थाळ। भीम पछी कोनो दाव आव्यो? दुर्योधननो। भीम विषे बे बे वाक्य लखो। पांच पांडवमां एक भीम हतो। भीम खूब ज बहादुर हतो। आगळ आपणे जोईशुं योग्य शब्दनो उपयोग करी नीचेनी खाली जग्યા पूरो। आ बाजुमां विकल्प आपेला छे एटले आपणे जोईने करवानुं छे। पांडव अने कौरव हस्तिनापुर नगरमां रहेता हता। नंबर 2 बधा पांडवो युधिष्ठिरनी वात मानता हता। नंबर 3 आंबली पीपळी रमवानी वात दुर्योधने करी। नंबर 4 दुर्योधन अने बीजा कौरव जळ पर बेसीने हसता हता। नंबर 5 भीमने बहु गुस्सो आव्यो। नंबर 6 भीमे पोतानो हाथी जेवो पग पछाड्यो। दुर्योधन अने दुशासन जळ पर हता। भीम पछी दुर्योधन पर दाव आव्यो। आगळ आपणे જોઈશું साचा वाक्य सामे खरुं अने खोटा वाक्य सामे खोटुं करी वाक्यने फरीथी खोटा वाक्यने सुधारीने फरीथी लखो। तो आपणे જોઈશું नंबर 1 ऊपर भीम माटे कौरवना मनमां बहु ज प्रेम हतो। भीम माटे कौरवना मनमां बहु ज वेर हतो। छेवटे दुशासन पर दाव आव्यो। छेवटे दुर्योधन पर दाव आव्यो। कौरव जळ पर नीचे पटकाय। ए वाक्य साचुं छे, एने ज आपणे लखवानुं छे। कौरव जळ पर नीचे पटकाया, एने ए ज वाक्य आपणे फरी लखवानुं छे। आगळ જોઈશું आपणे चौथा नंबर पर कौरव अर्जुन ने खीजावा माड्या। तो शुं आवशे? कौरवोए भीम ने खीजावा माड्या। आगळ જોઈશું पांडव युधिष्ठिरनी बधी वात माने छे, एटले साचुं। तो आपणे एने ज वाक्य लखी राखवानुं छे, पांडव युधिष्ठिरनी बधी ज वात माने। युधिष्ठिर अने तेना बीजा सौ भाईओ हता। युधिष्ठिर दुर्योधन अने बीजा 99 भाईओ हता। तो आ रीते आपणे खरुं होय त्यां साचुं, खोटुं होय त्यां साचुं लखीने फरी वाक्य बनाववानुं छे, खरुं होय तो आपणे एने ज लखी काढवानुं छे। आपणे आगळ જોઈશું સાતમા નંબર પર ભીમે જળ હલાવ્યું એટલે પાંડવો નીચે પડ્યા, પણ વાક્ય ખોટું છે। શું આવશે? ભીમે જળ હલાવ્યું એટલે કૌરવો નીચે પડ્યા। સૌ પ્રથમ ભીમનો દાવ આવ્યો વાક્ય સાચું છે। અર્જુન અને યુધિષ્ઠિરે રમવાની ના પાડી, વાક્ય કેવું ખોટું છે? અર્જુન અને ભીમે રમવાની ના પાડી। હસ્તિનાપુરમાં પાંડવો અને કૌરવો રહેતા હતા, વાક્ય સાચું છે। હસ્તિનાપુરમાં પાંડવો અને કૌરવો બંને રહેતા હતા। આગળ આપણે જોઈશું શું છે, નીચે વાક્ય વાંચો અને જેના અર્થ ધરાવતું વાક્ય શોધો। ખાય પીએ રમીએ અને મજા કરીએ,
तो बधी रीते मजा करी त्यां खरू आवशे। मनमां बहु ज्वेर, मनथी खूब ज दुश्मनी, डाळी साथे नीचे जशे, जड़ परथी नीचे पड़शे। हाथी जेवो पग पछड़ायो, शक्तिशाळी पग पछड़ायमां શક્તિશાળી પગ પછડા એમાં કરી નથી તો હું કરું છું, આ વાક્ય આવશે, બરાબર છે। આગળ જોથી મુક્કો માર્યો, પૂરી તાકાતથી મુક્કો માર્યો, ઊંધે માથે પડ્યો, ઊંધે માથે પટકાયો। તો આપણે આમ પાન નંબર 65 થી 65 સ્વાધ્યાયપોથીમાં પૂરવાનું છે, ધોરણ બે ને સ્વાધ્યાયપોથીમાંથી, સ્વાધ્યાયપોથીમાં પાન નંબર 65 થી 65 સ્વાધ્યાયપોથીમાં પૂરવાનું છે। અલ્લાહ।